हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स का। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q और 6q+3 और 6q+5 वायर क्यू इज सम इंटीजर। क्वेश्चन क्या कहता है, कोई भी अगर हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर नंबर लेंगे, अगर हम उसको 6 से डिवाइड करेंगे, हमें यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा। क्वेश्चन में यही हमें प्रूव करना है, यहाँ पर दिखाना है कोई भी अगर ऑड इंटीजर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, उसको अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, 1, 3, 5। अगर मैं यहाँ पर ले लूँ, यहाँ पर हम पहले ऐसे एग्जांपल में देखेंगे, ये क्वेश्चन में नहीं, जैसे हमारे पास है 13 को मैं अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ, 6 2 r 12, यहाँ बचा रिमाइंडर 1। मैंने 6 से मैंने ऑड इंटीजर को डिवाइड किया, हमारे पास रिमाइंडर आया 1। ऐसे अगर हम लेंगे यहाँ पर 15, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 r 12, यहाँ बचा 3, मीन्स 1 आया हमें रिमाइंडर, यहाँ पर आया 3। ऐसे अगर हम लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे 19, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 r 18, यहाँ बचा 1। ऐसे मैं अगर ले लूँ 29 को मैं 6 से डिवाइड करूँ, 6 4 r 24, यहाँ बचा 5, रिमाइंडर क्या है, 5 1 3। और मैं कोई और नंबर लूँ, जैसे मैं ले लूँ 18, 6 3 r 18, यहाँ पर रिमाइंडर 0। मतलब हमारे पास अगर हम ये 18 जो है ये इवन नंबर है, कोई भी इवन नंबर अगर हम लेंगे हमें रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, लेकिन जब हम ऑड नंबर की बात कर रहे हैं हमारे पास हमेशा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास या 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आएगा। इसके लिए यहाँ पर हम करेंगे, क्वेश्चन में हम लिखेंगे कोई हमारे पास, जो हमारे पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर उसको हम ए से लेंगे, लेट ए बी यानी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब यहाँ पे हमारे पास से अगर हम यहाँ लेंगे इक्विलेटरल डिवीजन लेमा के मुताबिक ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए तो मैंने ले लिया, अब यहाँ रहा बी की बात, बी यहाँ पर क्या है 6 एंड बी इक्वल टू 6, बी मैंने लिया 6, पर हम लिखेंगे बाय इक्लूड्स डिवीजन लेमा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेस आर इक्वल टू आर लेस देन बी, ये ऑलरेडी मैंने समझाया है ये क्या है। अब यहाँ पे हमारे पास आएगा ए इक्वल टू बी की जगह मैंने क्या लिया 6q प्लस आर, 0 लेस आर इक्वल टू आर लेस देन बी, यहाँ पर 6 से हो गया, 6 से कम, लेस देन 6, इसका मतलब हमारे पास आर किसके बराबर है, आर इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 तक, क्योंकि हमारे पास यहाँ लेस देन 6 है और यहाँ पर ये इंटीजर है, हम फ्रैक्शन में नहीं ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारे पास 5 तक जाएगा। अब हम एक एक करके लेंगे, पहले हम लेंगे वैन आर इक्वल टू 0, ए क्या बनेगा, ए बनेगा 6q+0 विच इज इक्वल टू 6q, ये क्या है 6q, अगर हम लेंगे यहाँ पर 6 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई में, इसका मतलब यहाँ पर इसको डिवाइड हो जाएगा, ये इवन बनेगा, इसको 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 को, इसलिए ये इवन नंबर बन गया। अब मैं ले लूँगा वैन आर इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 6q+1, यहाँ पर 6 को क्यों तो हो जाएगा डिवाइड, लेकिन यहाँ प्लस में 1 है इसलिए ऑड है। अब लेंगे वैन आर इक्वल टू 2, यहाँ पर हमारे पास ए बन जाएगा 6q+2, 6q इवन है, प्लस में 2 हो गया इवन, ये इवन बन जाएगा। अब हम लेंगे वैन आर इक्वल टू 3, ए बनेगा 6q+3, यहाँ 3 ऑड है इसलिए ऑड ही रहेगा,
when r equal to 4, a equal to 6 q plus 4, ये already even है, plus 4 हो गया even. when, अब यहाँ पर हम लेंगे, when r equal to 5, a बन जाएगा 6 q plus 5, यहाँ पर 5 odd है, इसलिए ये odd ही रहेगा. अब हम लेंगे यहाँ पर, इसको equation first, equation second, equation third. फर्स्ट यहाँ पर भी ऑड, यहाँ पर भी ऑड, यहाँ पर भी, और हमारे पास क्या है, सिक्स क्यू प्लस वन हो गया, सिक्स क्यू प्लस वन, यहाँ पर सिक्स क्यू क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव, जो हमने प्रूव करना था, इसे सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री, सिक्स क्यू प्लस फाइव, इस तरह हमारे पास हम लिखेंगे. यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव, वायर क्यू इज सम इंटीजर. ये हमने प्रूव कर दिया. कैसे, कोई भी नंबर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में है, सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव, मीन्स किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम सिक्स से डिवाइड करेंगे, हमारे पास रिमाइंडर या वन आएगा.